औरत जब तक बहु है अच्छी है, सास बनते की डेंजर हो जाती, डेंजर बहुत खतरनाक हो जाती, बहु बने तक ऐसा रहती, सास बनते की ऐसा हो जाती, हो बहुत खतरनाक हो जाती औरत बहु। आदाब मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, गोरी बीबी अगर लेनी है तो ना अमेरिका चले जाइए, क्योंकि यहाँ पे तो जब कल्लो है, कल्लो 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 है ना। तो कोई नहीं, बस कमेंट में बताइएगा आप लोगों को गोरे लोग पसंद है या काले लोग पसंद है। वैसे भैया मैं तो काली हूँ, काली हूँ और क्या ही बताऊँ, बड़ा दुख है काले रंग पे। यहाँ सीधी तरफ भी है, यहाँ बाईं तरफ भी है। औरतें क्या करते मालूम, जरा दोनों बीवी शोहर खुलूस मोहब्बत से रहे समझो। अनंतपुर की औरतों से, अम्मा मेरे बेटे को दवा डाल दीजिए ने। औरतें ये औरत जब तक बहू है अच्छी है, सास बनते की डेंजर हो जाती, डेंजर बहुत खतरनाक हो जाती, बहू बने तक ऐसा रहती, सास बनते की ऐसा हो जाती, हो बहुत खतरनाक हो जाती औरतें। बहू बेटा दोनों मिलके खुशी से बात करो तो क्या खिला के मारी कि मेरे पुट्टे को बदलिज गया। उन्हें आप उन्हें अच्छा 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 अच्छा, अनंतपुर में कौन सा ऐसा बेटा है जो बेगम को छोड़ेगा, अम्मी से मजाका करेगा? एक हाथ उठाओ। अम्मा मजाक करने की चीज नहीं है, पैर पड़ने की चीज है। बहन मजाक करने की चीज नहीं है, एहतराम की चीज है। और बीवी पैर पड़ने की चीज नहीं है, मजाक करने की चीज है। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे से मिलके रहो, बहुत मसले हल करता हूं मैं, और बगैर तावीज के हल कर देता हूं, खुदा की कसम, बगैर तावीज के, बगैर 21 रुपए लिए के, 21,000 की तावीज दे देता हूं बातों बातों में। बोलो अम्मा क्या है? पैर पड़ने की चीज है। बोलो, बोलो। और बेगम डरो ना करे, बोलो। बोलो, हाँ मजाक करने की चीज है। बेगम के साथ मजाक करे तो बहन बोली, अम्मी भैया को देखो, चूल्हे में घुसा, माठी मिला, चूल्हे में घुस गया, भाभी के साथ अंडा तल रहा, रोटी दाता कहते आप, ऐसी आवाज बढ़िया बयान करते हैं ना ये हमारे भैना निकालते हैं। इन लोग यहाँ बैठे हुए देखो, ये वहाँ बीच में भी बैठे हुए देखो, इन लोग निकालते ये आवाज ना। और बाजू वाले से करेंगा तो पिटेंगा। अरे शौहर बीवी के साथ मजाक नहीं करेंगा तो क्या, बाजू वाली से करेंगा? कितना हंस रहे देखे रे, आवाज कैसे आ रहे देखे, जिंदगी में नहीं हंसे इन लोग, मौलाना की तकरीर सुन के ऐसा हंस रहे, छिचोरे पने के बात ना है। दोनों बीवी शोहर है, उन्हें अंडा तो भी तलें दे, रोटियां तो भी बलान दे, नीचे मुंडी ऊपर पैरां तो भी करें दे, उसका शोहर उसकी बीवी, तुम बीच में कई को नहीं, सास है तो दुआ दियो। अच्छा और एक बात बोलूं, सास को सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता? बोले सो वाले को 500 रुपए ना। हालांकि ये किस्से मेरे घर में नहीं हुए, मगर मेरे को तजुर्बा है, सुन सुन के, देख देख के। बोले सो वाले को 500 रुपए नाम, सास को सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता? बोलो, ए दीवाना है तू, हौला है कहां का, आनंद पक्का अनंतपुर का ही छह ने बहू की तरफ शादी करता है। सास को सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता? जब उसका बेटा उसकी बीवी को बाहर लेके जाता। सब बर्दाश्त कर सकती सास, तू उसको लेके गया कैसा बाहर, जाके 2-3 घंटे ट्राल मार के आए समझो दोनों, इधर घर में 3 घंटे में 3 मुर्दे निकल जाते इधर, बर्दाश्त। अरे क्या है भाई, दोनों हस्बैंड वाइफ है, फिरने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो क्या बुरी बात क्या है? मैं कुछ समझा दो, मैं बोल के रुकाता हूं कल से पूरों को। अरे अल्लाह का शुक्र अदा करो, तुम्हारा बेटा हलाल रिश्ते के साथ घूमने जा रहा, अगर तुम उसको घर में बीवी के साथ जाने नहीं देंगे, उन्हें दूसरों को ले लेके फिरता,
तुमको पता भी नहीं चलता। तुम घर में खाली रोटियां सेकते रहना, उन्हें बाहर पूरे जामुना सेक देता। लेके जा रहा बेगम को, लेके जान दो। बेगम से फोन पे बात कर रहा, करने दो। बेगम से हंस रहा बोल रहा, अच्छा रह रहा, रहने दो। बेगम को लाके पैसे दे रहा, देने दो। बेगम के साथ खुश है, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह मेरा लखते जिगर नूरे नजर अपनी बीवी के साथ खुश नजर आ रहा। शुक्र ऐसे ही करती है टुकरियां सच्चे में खुश रहे। ये क्या है कसमुआ, समझ में नहीं आ मेरे को। अरे इन लोग बहुत घूर घूर के देख रहे हैं औरता। बाबू भाई सेफ्टी तो है ना मेरी सेफ्टी। हाँ वही, जरा तुम लोग अलर्ट रहो, उधर से कुछ भी पत्रे उतरे आए तो जरा तुम लोग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं, बहू के साथ खुश रहा तो सासू माँ खुश हो ना भाई। जब अगर तुम्हारू बहू के साथ बेटा खुश रहा, तुम्हारू तकलीफ होती तो फिर शादी करके लाइक कई को पुट्टे को वैसी रख देना था हमारे तक। हाँ भाई, नहीं मेरे, मैं भी ऐसा तकरीर करता हूँ ना, तकरीर करता हूँ, लोग हंसते मेरे बयान में। मेरे को हंसाना मकसद नहीं है, ये इतने बड़े मजमे को तीन तीन घंटे बिठाना बोले तो ऐसे करना पड़ता तकरीर। मैं अगर सीरियस बोलना शुरू करा, समझो इमाम नसाई यूं फरमाते, इमाम तहावी ने यूं लिखा, इमाम बुखारी ने इसको यूं बयान किया, इमाम आजम का इस पर यह तहकीक है, इमाम शाफई ने इसको इस तहकीक को इस अंदाज में बयान किया है, मैं ऐसा बोलना शुरू करा तो वो गली में से 16, वो गली में से 26, ये इधर से 18, इधर से 22, फिर आखिरी में मैं मौलाना दोनों मिलके हाथ मिला लेंगे। मौलाना तुम तुम्हारे घर को जाओ, मैं मेरे घर को जाता हूँ। बाबू सेठ बोलते हैं मर गया अभी तो आइंदा दोबारा अनंतपुर को नहीं बुलाता हूँ। तो बयान करने का भी एक भाई है, देखो जैसी हालात वैसी, जैसी बॉलिंग वैसी बैटिंग भाई, जैसी पिच है वैसा खेलना पड़ता है यार। हर पिच पे छक्का मारो बोले तो आउट हो जाते, वैसा नहीं होता, पिच को देख के बैटिंग करना पड़ता है ना भाई। तो अब देखो आप, हम कर रहे हैं अब बस मौलाना लोग, पूरी पब्लिक इसको सुन रही है, पब्लिक पूरी इसको सुन रही है, माई बयान रोज मेरे कोई भी नहीं सुन रहे, सब इसको सुन रहे। बाज मौलाना रहते छोटे छोटे दिलों के, रहते तेज रहता दिल उनका, बहुत तकलीफ होती उनको देख के। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, पढ़ लेते जाना, फूक लेते जाना पड़ता अपने। ऐसा होता कई मरता। तो फिर मैं बोलता हूँ जब मेरे को पब्लिक को देख के तेरे को इतनी तकलीफ होने वाली तो बुलाया आज कई बुरे। बात समझ रहे ना भैया, जब आप मेरे को बुलाए हैं तो मेरी अदाओं से आपको खुश होना जरूरी है, मेरी तकरीर को एक्सेप्ट करना आप जरूरी है। इसी तरीके से जब आप किसी को बहू बना के घर को लाए हैं तो फिर बहू के नाज नखरे लाड़ा मोहब्बत खुलूस, बाज बाज वक्त उन्हें गुस्से में भी आती, उन्हें इंसान की औलाद है, जिनकी बेटी तो नहीं होती, नहीं बाज बाज वक्त रोती, बाज बहुत जिद करती, मैं अम्मी के घर को जाती हूँ बोल के, तुम्हारी बेटी नहीं करती, उन्हें भाव है, उन्हें भी किसी की बेटी होने वैसा जिद करती। बर्दाश्त करना, सबर करना, अम्मा मेरी बेटी इधरा बोल के खरीब करना, कलेजे को लगा लेना, उसको थोड़े पैसे देना, अब बेटा अच्छा कमा के लाया तो उसको गोल्ड दिलाना, कतान के साड़ियाँ दिलाना, नए नए ड्रेसा दिलाना, उसको घर को जाती बोले तो अपन खुद ले जाके छोड़ के आना उसको। जब तुम ये सब नहीं कर सकते तो फिर भाव बना के लाइक कैकू, जब तुम ये नहीं कर सकते तो फिर उसके साथ तुम रिश्ता करे कई को, उसके बाबा कन से पलंग अलमारी फ्रिज एयर कूलर लिए। राइट, एब्सोल्युटली राइट। बर्दाश्त करना पड़ता है। देखो भाई, भाव इंसान है, जिनकी औलाद है, जल्दी बोलो। अच्छा तुम लोग के घर में जो है ना भी इंसान ही है। अरे वाह सुभान अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है इंसान से शादी करे तुम लोग। तो इंसान है तो उसके साथ उसको गुस्सा आता नहीं आता, कभी कभी चिड़चिड़ी होती नहीं होती। बच्ची चाहिए उन्हें, 20 साल 22 साल 23 साल 25 साल की बच्ची है उन्हें, और अभी बच्ची खाली उम्र के एतबार से बालिग हो जाती मगर मैच्योरिटी नहीं आती उसके अंदर। उसको धक्के खा 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 के 35 साल 40 साल में औरत मैच्योर होती। सही बात है। अपन लोग बोले तो रोजाना बाहर निकलते, रोजाना 40 खिस्से देखते,
40 कहानियां सुनते, 40 वाकयात देखते, औरत घर के बाहर निकलती, चार दीवारी में रहने वाली, ना उन्हें खिस्से देखती, ना कहानियां देखती, ना दास्तान देखती, ना किसी से मिलती, ना किसी से बात करती, कुछ भी नहीं, पर्दे में। इसलिए औरत बालिग तो होती मगर मैच्योर नहीं होती, समझदार नहीं होती। समझदार होने के लिए उसको टाइम लगता, कम से कम 2 बच्चों की माँ बन जाए या 4 बच्चों की माँ बन जाए, जब जाके वो समझदार होती है, उस वक्त तक सास को सास बनकर नहीं, माँ बनकर रिश्ता निभाना चाहिए, मोहब्बत से रिश्ता निभाना चाहिए, प्यार से रिश्ता निभाना चाहिए, उसकी जिद को बर्दाश्त करना चाहिए, उसकी शरारत को बर्दाश्त करना चाहिए, उसकी तबीयत को समझना चाहिए, उसको दिलाते रहना चाहिए, उसको खिलाते रहना चाहिए, उसके मामला पूरे करते रहना चाहिए, उसकी खुशियों का लिहाज रखो, उसकी ख्वाहिशात का लिहाज रखो, उसकी आरजू तमन्नाओं का लिहाज रखो। जब तुम ये सारे काम करते हो तो एक वक्त आएगा सास बीमार पड़ के बिस्तर पर ऐसे पड़ेगी कि जरूरत को नहीं जा सकेगी, उस वक्त तक तुम्हारी बेटी ससुराल से नहीं आएगी, यही बहू तुम्हारी बेटी बनकर बिस्तर पे तुम्हारी खिदमत करती नजर तो संभालेगी। बिल्कुल, तुम अब संभालो, वो तुमको बुढ़ापे में संभालेगी। तुम अब ख्याल करो, वो बुढ़ापे में तुम्हारा ख्याल करेगी। तुम अब नल्ली मत है तो उन्हें जब नल्ली। तो भाई कैसा लगा वीडियो? पूरा वीडियो आपको देखना है तो ओरिजिनल लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप लोग जाइए और देखिए जाकर इस पूरे वीडियो को। मैंने फिलहाल में आधा ही वीडियो बनाया है ना, पर वीडियो बहुत 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 अच्छा था। और इन भाई की जो भी, इनके घर में जो भी लड़के की बहुएं आएंगी ना, उसमें बहुत ज़्यादा खुश होंगी, बहुत ज़्यादा खुश रहेंगी, क्योंकि भाई की सोच ऐसी। अगर दुनिया में सभी की सोच ऐसी हो ना, सभी की, तो कहते नहीं है देश बदल जाए, सोच बदलोगे तो देश बदलेगा, पर कोई अपनी सोच नहीं बदलता है तो देश क्या घंटा बदलेगा, तभी तो देश बदल नहीं रहा है। क्योंकि ये जो लड़कियां हैं ना, लड़कियां ही औरतें बनती हैं, औरतें ही सास बनती हैं, फिर सास बनके चंडैल जाने कहाँ से बन जाती हैं, मुझे यही नहीं समझ में आता है भाई, नहीं समझ में आता है कहाँ से इनके अंदर वो वाला रूप आ जाता है एकदम। मुझे बहुत गुस्सा आती है इसमें, हमारी सास जहाँ कहीं से भी हमारा अगर वीडियो देख रही हो, फिलहाल हमारी कोई सास है नहीं, अगर इन फ्यूचर अगर देखेगी ना तो मार मार के मुक्का सही कर देंगे। हाँ, अगर ऐसी चंडैल मिली तो ये है। खैर कोई नहीं, वैसे कहते हैं गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, अगर आपको रिस्पेक्ट लेना है मुझसे या किसी भी लड़की से तो आपको उसकी माँ की तरह बनना होगा, ठीक है ना। ये नहीं कि अपनी लड़की, अपनी लड़की वो कहते नहीं है, खुद की लड़की तो गुड़िया दिखती है और दूसरे की लड़की भले छोटी आ जाए गुड़िया जैसी, पर वो उसको गुड़िया दिखती है, ये बिल्कुल सोलो आना सच है। पता नहीं कहाँ से ये सोच लेके आते हैं, समझ नहीं आता। अपनी खुद की लड़की, खुद की लड़की 35 साल की हो कोई दिक्कत नहीं है, कि वो लेट उठती है सो के, वो काम नहीं कर पाती है, अभी हमारी बिटिया हमने कराया नहीं ना। और अगर बहू 21 साल की आपके घर पे आती है तो उससे उम्मीद रखी जाती है कि सुबह 4 बजे उठ के चाय दे, घर का पूरा काम करे, बिस्तर पे ही सब कुछ का खाना पीना, किसी को चाय चाहिए, किसी को पकौड़े चाहिए, किसी को सब्जी चाहिए, किसी को ये चाहिए, किसी को वो चाहिए, मतलब सब कुछ हाथ में दे। मतलब यहाँ तक कि ये भी उम्मीद की जाती है ना कि वो पोटी भी आपको कराए बहू, लेकिन वो 21 साल की होती है, पता नहीं क्या रोबोट होती है क्या या मशीन लगा के, वो भी किसी के घर से आती है भाई। लेकिन बुढ़िया कभी नहीं सोचती है, ये बात सोलाना सही है। ये बुढ़िया ना घर को बर्बाद करती हैं, यही बुढ़िया बहुत ख़राब होती हैं भाई, बहुत ख़राब होती हैं। खैर कोई नहीं, आज का वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा, भाई ने इतना ज़्यादा ज्ञान तो दिया है, पर पता नहीं इनके ज्ञान को कोई फॉलो करेगा या नहीं, पता नहीं। खैर वीडियो को शेयर करिए, शायद हमारा ज्ञान लोग फॉलो कर लें, सही कह रही हूँ ना। हाँ जी, तो वीडियो को शेयर करना कतई नहीं भूलिएगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, चैनल पर नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए, अल्लाह हाफिज़।